स्वागत है बढ़िया फिर से एक किया। वीडियो में। देखिए ये 1150 गियर बॉक्स है, इसमें दो नंबर और छः नंबर छोड़ रहा है। अब देखते हैं इसका क्या प्रोसेस है डिसमेंटल करने के बाद। अभी डिसमेंटल हो रहा है, ये पहले हम लोग यहाँ से हाउसिंग खोल लेते हैं। देखिए ये हाउसिंग बोर्ड खुल रहा है, फाइनली खुल रहा है। ये फोर्क है, न्यू मॉडल में फोर्क इस तरह से आ रहा है। इसका बैरिंग टूटने का शिकायत है, मगर ये सही है। कभी कभी ये वाला जाम हो जाता है, ये पिन आपका, ये तो सही है फिलहाल। इसमें बुश लगता है फाइबर का, अभी आपको दिखाएंगे हम। खड़ा करे से फाइनली देखिए ये हाउसिंग निकल रहा है। ये है गियर बॉक्स, ये हो गया टप पिनियन कबाड़ कर, वो निकल गया। ये हो गया काउंटर। तो भाई देखिए फाइनली ये रोलर गुट की निकल रहा है अभी। ये रोलर गुट की निकल गया, अब यहाँ से हम लोग परमेट्री अलग करेंगे, उसके बाद पूरा गियर डिसमेंटल करेंगे। सो वीडियो में बने रहें, देखिए। सो भाई देखिए फाइनली हम लोग परमेट्री बाहर निकाल रहे हैं। राउंड बोल्ट पहले ही खोल लिए थे क्योंकि टाइम लग जाता, इसलिए हम आप लोग को नहीं दिखाए। देखिए हमारे मिस्त्री लोग निकाल रहे हैं जी। चलो ये फाइनली प्लेनेटरी खुल गया, अब यहाँ से हम लोग पाइप खोल के निकाल देंगे, उसके बाद सन गियर को यहाँ से ढीला कर लेंगे, उसके बाद खड़ा कर देंगे। खड़ा करने के बाद फिर अभी दिखाते हैं आपको प्रोसेस। उसके बाद ये अपना स्क्रू फेस्क्रू ढीला कर लेंगे, यहाँ से पुश करना पड़ता है ताकि फोर्क फंसे नहीं। देखिए हम लोग पाइप खोल रहे हैं अभी। सो फाइनली देखिए हम लोग पाइप निकाल दिए बाहर। इसमें एक ओरिंग भी रहता है, देख लीजिए, क्योंकि बहुत काम का ओरिंग है ये। फाइनली एसन गियर खुल गया हमारा, ये देसी जुगाड़ है। देखिए हमारे मनोहर मिस्त्री है, वहाँ से क्या होगा कि उसको पुश करेंगे तो यहाँ से आपका फोर्क आसानी से निकल जाएगा। देखिए अपना फोर्क निकल गया, वहाँ से पुश करना पड़ता है। दबा रहे इसको, इस तरह से पुश होता है। देखिए ये इंगेजिंग गियर सब सही है, ये 3-7 का रिंग दिखा इधर, ये 3 नंबर 7 नंबर का सेंक्रो रिंग सेंक्रो कौन है। तो फिलहाल तो सब सही है, 2 और 6 के देखना है, 2 और 6 में आवाज़ था इसका। फाइनली ये पिनियन अभी निकलेगा, फाइनली 3 नंबर का पिनियन बायरिंग। इसमें लफड़ा क्या हुआ था कि ये पिनियन जो है, ये 7 नंबर का जो पिनियन है, देखिए पूरा घस गया यहाँ से, और ये वाशर आपका पूरा घस गया, पूरा चाल हो गया था पिनियन, इसके वजह से गियर छोड़ रहा था। यहाँ पे मेन शाफ्ट में पूरा ढक हो गया था, इसके वजह से गियर छोड़ रहा था। अभी हम नया सामान लेकर आए हैं, इसको भी नया डालते हैं, फिट करते हैं। फिटिंग का प्रोसेस सेकंड वीडियो में बताएंगे। सो गाइस आज के वीडियो यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय झारखंड।